कुछ लोगों का माँ बहन इधर ले गया, कुछ बंदे को पकड़ कर उधर लेके गया। वहाँ भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, अभी भी जुल्म हो रहा है। हम सिर्फ जान बचाने के लिए आया, हम यहाँ रहने के लिए आया नहीं है। हर बंदे को, हर बुजुर्गों को परेशानी हो रहा है, भाई बहन को परेशानी हो रहा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भारत देश से रोहिंग्या मुस्लिमों को अब निकालने का काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा CAA NRC का काम शुरू होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि देश के लिए खतरा बन चुके गरीब रोहिंग्या मुस्लिम जो अपने ही देश म्यांमार से जुल्म का शिकार हुए और अपना देश छोड़कर शरण की उम्मीद आंखों में लिए ये भटक रहे हैं। कई देशों में रोहिंग्या मुस्लिम शरण लिए हुए हैं और इसी तरह भारत में भी रोहिंग्या मुस्लिम शरण लिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। माना जा रहा है कि सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। म्यांमार में जुर्म का शिकार हुए रोहिंग्या मुस्लिमों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 10 से 12 साल पहले जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या कैंप में रहने वाले ये रोहिंग्या मुस्लिमों को अब पुलिस पकड़ होर्डिंग सेंटर में इन्हें रखा जा रहा है। करीब 150 से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिमों को होर्डिंग सेंटर में रखा गया है। ऐसे गरीब रोहिंग्या मुस्लिम जो देश के लिए खतरा बन चुके हैं, वो अपने मासूम बच्चों और घर के सामानों को समेटकर जाने पर मजबूर हैं। तस्वीरें भले ही अमानवीय हैं, मगर सरकार इन बेबस रोहिंग्या मुस्लिमों को देश के लिए खतरा बता रही है, जिनके बच्चे भी दो वक्त की रोटी के मोहताज रहते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों का दर्द आखिर कौन सुनेगा? क्या इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है? उन्हें उनके देश में रहने नहीं दिया जा रहा है और न ही किसी देश में इन्हें शरण मिल रही है, क्योंकि इन्हें देश के लिए खतरा माना जा रहा है। इन्हें जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शरणार्थी कार्ड मिला था, वो भी ज़्यादातर लोगों का एक्सपायर हो चुका है। मगर बेबस बेसहारा रोहिंग्या मुस्लिम जो देश के लिए खतरा बन चुके हैं, ऐसा सरकार की तरफ से बताया जाता है, उन रोहिंग्या मुस्लिमों का दर्द आखिर कौन सुनेगा? रोहिंग्या हूँ, जम्मू में आया था 2012 में। जिस तरह आपको डिपोर्ट कर रहे हैं आप, तो ये जैसे डिपोर्ट कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ये होता है, जैसे कुछ लोगों का माँ बहन इधर ले गया, कुछ बंदे को पकड़ कर उधर लेके गया, ये अच्छा नहीं कर रहा है। वहाँ भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, अभी भी जुल्म हो रहा है। हम वहाँ वापस कैसे जाएंगे? हम तो यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, हम तो सरकार से मुकाबला नहीं कर सकता। पर अचानक में ऐसा हुआ था, हम उसमें क्या कह सकते, हम तो जाने के लिए तैयार है। देखो हमारा हालात, हम सिर्फ जान बचाने के लिए आया, हम यहाँ रहने के लिए आया नहीं है, क्योंकि हमारा गांव नहीं है। हमारा गांव उधर ही रह गया। हम बिल्कुल हमारा गांव जाऊँगा, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात वही है, हमारे लिए जो नेशनलिटी ले लिया, हम नेशनलिटी अगर वापस करेंगे, हमारा देश थोड़ा शांति होगा, हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा देश अच्छा जब भी बनेगा, हम भी तब भी जाना के लिए हम बिल्कुल तैयार हूँ। हम यहाँ एक से के रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं 2009 में आया था, उस टाइम तो कोई परेशानी नहीं था। अभी इस टाइम कल दो दिन से ये परेशानी हो रही, घर से सो नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे भागना वहीं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, पुलिस दौड़ाते जा रहे, इसी परेशानी में। हम वही बोलना चाहता हूँ, परेशानी नहीं होना चाहिए, पहला जैसे ऐसे चलना चाहिए। इस तरफ ऐसा कैसा हुआ, हमें हर बंदे को, हर बुजुर्गों को परेशानी हो रहा है, भाई बहन को परेशानी हो रहा है। यानी कि अब माना जाए कि देश के लिए खतरा बन चुके गरीब बेबस बेसहारा रोहिंग्या मुस्लिमों को अब निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि इंसानियत कहीं खो गई। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।